हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड रिकी। तो आज हमारा चेकआउट है पार्किन से, तो हम रेडी हो गए हैं। सामान वामान हमारा पूरा पीछे सब तैयार है, तो अब हम जा रहे हैं साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा का हमारा डन, और अब जा रहे हैं हम साउथ गोवा। दिखाते हैं आपको वहाँ पे कौन से होटल में रुक रहे हैं। पहले बस अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और पहुँचते हैं साउथ गोवा। तुम्हारा हो गया सामान पैक? सारा सामान, बाकी मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। आप चेक करो कुछ रहा तो नहीं। चलो, बहुत अच्छा था ये रूम, मज़ा आ गया, मतलब स्पेशियस था, आपको भी अच्छा लगा होगा। हम इसकी प्रॉपर्टी में एक सजेशन है, पार्किन होटल बाय रेडिसन कैंडोलिम में जो है, अगर आप लो ना रूम तो ये वाला रूम टाइप लेना, पूल व्यू रूम है ना, तो उसके ही मज़े हैं। बाकी जो है ना थोड़ा कंजस्टेड से हैं, उसमें ज़्यादा मज़े नहीं है। तो जब भी आओ तो इस वाले रूम में रुको, बहुत स्पेशियस है, व्यू अच्छा है और हाँ सर्विसेज भी अच्छी हैं। हो गई तुम रेडी? देखो बाल कर लूँगा। बढ़िया, चलो मैडम, छोटी मैडम, क्या फोटो सेशन चल रहा है? लो भी चलो सिया, लो हमारी वीडियो बना लो फोटो खींचते हुए। वीडियो चल रही है, बस आपको पकड़ना है, चल रही है ऑलरेडी। तो फोटो वोटो खिंचा के हमने सामान वामान उठाया और गाड़ी में भर लिया। गाड़ी हमने वही ली जो नॉर्थ गोवा में थी, साउथ गोवा के लिए भी। और सामान देख सकते हैं आप कितना ठसम ठस भरा हुआ है, जगह बिल्कुल भी नहीं थी, सबके सब पीछे बैठ गए और सामान आ गया और डिग्गी में। अभी हम आए हैं फोंटनास में, कार पार्क कर दी है, हम जा रहे थे होटल। फोंटनास रास्ते में पड़ता है। फोंटनास जो बेसिकली जगह है, यहाँ पे जो बहुत पुराने गोवा के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जिनकी काफ़ी पीढ़ियों से जो उनकी फैमिली है वो यहाँ पे रहती है, और उनके घर जो है ना बहुत ही अच्छे कलरफुल बने हुए हैं। यहाँ पे आपने ऑनलाइन भी फ़ोटोज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा फोंटनास के नाम से, तो वहीं पर आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने कलरफुल और कितने अच्छे, कितनी साफ़ सफाई, कितने मतलब विजुअली कितने अच्छे घर बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो है ये कैसल टाइप में होटल है। और ये देखिए, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये ग्रीन, और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, प्री वेडिंग शूट होगा। फोटो सेशन करवा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी वॉल्स के साथ शानू हमारी फोटो खींच रहा है। भाई चल, देखिए ये चर्च है, यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे भी हमने बहुत सारी फोटोज खींची है। ये देखिए चारों तरफ जो है ना इतने कलरफुल, और यहाँ पे एक गैलरी है, ये अभी बंद है। और यहाँ पे येलो वाला टच है, ये भी येलो है, वो आगे भी येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है। चलो हो गया हमारे यहाँ पे फोटोशूट, फोंटनास पॉइंट कवर हो गया, बैठते हैं गाड़ी में, पहुँचते हैं होटल। होटल होटल दो बार में खुलती हैं। तो होटल पहुंचते हुए बीच में बड़ा अच्छा सा पैच आया, जहाँ पे लगा कि थोड़ी देर रोक लेते हैं और फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, है ना। तो यहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं, और ये देखो जो मेरे पीछे रोड है ना, और साइड में ये लोकेशन बिल्कुल वैसी थी जैसी पारा रोड है नॉर्थ गोवा में। अगर आपने डियर ज़िंदगी देखी होगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे वहाँ पर लोकेशन है, रोड के दोनों तरफ पाम ट्रीज है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको साउथ गोवा में भी मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे हमने फोटोशूट कराया, बहुत अच्छी जगह थी ये, और अब चलते हैं अपने होटल में। चलिए
तो पहुंच गए हैं। अरे चुप रहो यार, वीडियो बनाने दो। तुम दोनों के चक्कर में आ गया, उठ गया, उठ गया। चलो चलो जी, पहुंच गए हैं, सामान उतारते हैं, चेक इन करते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो पीछे पार्क कर दी हमने यहाँ पे गाड़ी, अब चलते हैं अंदर। तो ये है हमारा फेयरफील्ड बाय मैरियट। सुनील चौधरी। तो ये रहा हमारा वेलकम ड्रिंक, क्या है? कोकम। अच्छा है, चलो ना। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत सुंदर बनाया हुआ है और ये स्पेस है, तो ब्रेकफास्ट हमारा यहीं हुआ करेगा। सामने बोरा पूल, यहाँ पे छोटी सी इन्होंने मार्केट के लिए रखा हुआ है, कुछ कुछ आपको खरीदना हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। लंच इज सर्व फ्रॉम 1 PM टू 3:30 PM, ओके, एंड डिनर इज फ्रॉम 7:30 टू 10:30, ओके। एंड हाउएवर द रेस्टोरेंट इज ओपन 24/7 फॉर अला कार्ट सर्विसेज। हाउएवर पोस्ट 11 PM वी डू सर्व अ मिडनाइट मेन्यू, ओके। एंड व्हाट्स द कॉस्ट फॉर लंच बुफे, डिनर बुफे? So for lunch buffet, it's $9.99 plus taxes per person. Okay. And for dinner, it's $1,300 plus taxes per person. Okay. And I think 18% taxes? 18% taxes. Okay. And in fact, we are the first family properties to be built in a resort style. Okay. In the entire South Asia specific. And also, we do have a beach close by, that's Benaulin Beach. Yeah. So it's just hardly 3 minutes walk from our property. Okay. And this will be a swimming pool. That's okay. Open from 6:30 in the morning to 8 p.m. And that's the pool bar Arzu. So Arzu is operational from 12 p.m. to 8 p.m. Okay. And however, we do have our own in-house spa just behind the pool bar. So okay. The spa, they open at 10 a.m. The operational is at 7 p.m. Okay. चलो अभी हमारा रूम एक रेडी है, दूसरा भी रेडी होने वाला है, तो रूम टूर कराते हैं जब हमारा दूसरा वाला रेडी हो जाएगा। और अभी सिया को मैं लेके जा रहा हूँ उसके किड्स एरिया में, पूल एरिया से होते हुए। तो ये पूल है। हाँ सिया, किड्स का वो वाला है। इसमें एक लेवल तक आ सकते हो सिया। 4.5 feet है एक लेवल में, तो कहाँ पे है वन लेवल? मैं सीढ़ियों पे आ सकती हूँ अगर मुझे मजे करने। हाँ मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। सीढ़ियों के जो आगे ना किड्स में मेरे आधे पैर ही होंगे। इनका पूल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम प्रीमियम मजेदार। वाओ सिया, ये तो बहुत अच्छा है। टेबल टेनिस खेलना है आपको? ये खेलोगे? चलो सिया ले बेटा स्कोर। जैसे मैंने आपका वन कर दिया ना गोल, तो वन हो गया। मारो 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 मारो। यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग वेंटिंग रखी है, यहाँ फुटबॉल है, बच्चों के खेलने के लिए झूला है, टीवी पता नहीं क्यों लगा रखे हैं, लूडो है, कैरम है। और ये जो एरिया है, ये इनका बड़ों का प्ले एरिया है। यहाँ पे बड़ी वाली पूल टेबल है, वहाँ चेस है, लूडो है, एक फुटबॉल और है, कैरम है और ये लूडो है इधर। और यहाँ से पूल व्यू है। तो ये इनका जिम एरिया, जिम काफ़ी अच्छा है, इनका वेट्स हैं, मशीन भी अच्छी है, यहाँ पे लोग कर भी रहे हैं। सिया अपना वेट ना अपना। पहन के जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। सिया का है 21.4। सिया जिम कर रही है। तो हम बैठे हैं अभी लंच के लिए इनके रेस्टोरेंट में, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, थके हुए थे, चेक इन मतलब करते करते 3 बज गए, तो हमने सोचा यहीं पे होटल में कर लेते हैं लंच। तो बस अभी ऑर्डर किया है और इनका मैंने अभी आपको दिखाया था रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर। सर बस ये खाना आ गया हमारा, दाल ये
गोल हमें ऊपर एक और दे देना क्योंकि रायता और दाल में टाइम है ना। सही बात है। तो चलिए अब आपको रूम टूर करवाते हैं अपना फेयरफील्ड बाय मैरियट का। एंटर किया और लेफ्ट में हमारी कबर्ड आ गई है एज यूजुअल। कबर्ड में हमारा प्रेस है, डिस्पोजेबल स्लीपर्स हैं, लॉकर है। देन ऑन द राइट हैंड साइड वॉशरूम है जिसमें सिया अभी कुछ कुछ कर रही है। ये नीट एंड क्लीन है एकदम, बस थोड़ा ये दिक्कत है कि छोटा है। और लेफ्ट साइड में यहाँ टी मेकर हो गया, पानी की बॉटल्स हो गई और यहाँ पे सब चाय कॉफ़ी दूध। और ये लेफ्ट साइड में हो गया टीवी, टीवी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे चेयर हो गई, डेस्क और ये रहा रूम। पेंटिंग वेंटिंग अच्छी है, फर्नीचर अच्छे हैं, है ना। और दिक्कत थोड़ा ये है कि ये क्वीन बेड है और स्पेस थोड़ा सा कम है। रूम छोटा है, बाकी जो अंदर जो फील है वो प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा है। और इसका बेस्ट पार्ट, ये आपने डोर खोला और बाहर आपका सिटिंग एरिया और सामने पूल, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो ओवरऑल रूम अच्छा है, बस ये रूम का साइज़ बड़ा कर देते और बेड थोड़ा सा बड़ा दे देते, किंग साइज़ बेड, तो मज़ा आ जाता। बाकी अब चेंज वेंज करते हैं और फिर चलते हैं बीच पे। तो उधर था हमारा रूम, तो पीछे की तरफ इन्होंने यहाँ पे भी सिटिंग एरिया दे रखा है और यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं। और सामने जो गेट है उधर से लेफ्ट जाके आप बीच भी जा सकते हैं। तो चलिए बस फटाफट चेंज करके आप बीच के लिए निकलते हैं। तो बस हम इस गेट से बाहर आ गए और ये इधर के रूम है कुछ कुछ जिनका व्यू सामने ये, लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रखी है। चलो, हाँ पता नहीं घर है होटल है वो बी एंड बी। तो बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है बेनुलिम बीच। हम तो भाई जहाँ हमारी बीवी हम तो वहाँ चले जाएंगे। तूने मूड खराब, तूने मूड खराब करा। तेरे मैं तेरे पे गुस्सा नहीं करती, तेरे तो फिर भी इतने इतने में इंग्लिश दिखाती है, गुस्से में इंग्लिश दिखाती है, इंग्लिश दिखाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से बताती है। इतने में अगर मैंने करा होता ना मेरे कुटा पे बच जाते, तू तेरा कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। हां कुटा पे मचाओ इसके अपने भाई के। अब मैंने क्या किया, हां मचा रही हूं। हां मैंने क्या किया, मैं गिलास पी रहा हूं। चुप रह। चलिए तो वेलकम टू बेनुलिम बीच। तो ये रहा आपके लिए बेनुलिम बीच। बेनुलिम बीच और ये साइड में शेक्स हैं। यहाँ की सैंड भी अच्छी लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। अरे ये काफी अच्छा लग रहा है, कितना ह्यूज वाइड। अच्छा बीच है, बहुत अच्छा बीच है। हाँ बहुत अच्छा है और कितना वाइड व्यू है, सनसेट इतना प्यारा लगेगा यहाँ बैठ के। मतलब ये व्यू हो और ये ऐसे गाने चल रहे हो तो क्या ही बात है। कॉपीराइट आ जाएगा गाना, मैं हटा दूंगा इसके बाद। We'll be right back.
यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, ये देखो। तो यहाँ बेनुलम बीच पे हमें सनसेट देखने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि क्लाउड्स बहुत हैं जी। तो डिनर करने के लिए हम आए हैं मार्टिनी कॉर्नर्स पे, मार्टिन्स कॉर्नर पे। कहाँ से यार? ये लॉबस्टर कहते हैं, लॉबस्टर। मार्टिन्स कॉर्नर साउथ गोवा का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है, अगर आप गूगल भी करोगे तो बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी। तो हम यहाँ पे आए और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं और बहुत पुराने टाइम से, तो वहाँ पे भी लोकल के जो लोग थे एंजॉय कर रहे थे खाने। ये राइट में हमने मार्टिन्स में खाना खाया था, जो उसके ओनर जो है ना ये यहीं पे रहते हैं। तीन जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये ब्लू, ये ग्रीन और ये ऑरेंज, तीन भाई हैं ये मार्टिन्स और तीनों का ये घर है। और इसके बैक साइड में इन्हीं का होटल है मार्टिन्स कम्फर्ट। और घर देखो कितने अच्छे बने हुए हैं ये। पैसा है इनके पास काफ़ी।